सुहास नहीं, वहां कौन सा फूल है जिसमें आपका सुहास नहीं, वहां कौन सा दीप है जिसमें आपका प्रकाश नहीं, वहां कौन सा दीप है जिसमें आपका प्रकाश नहीं। पुष्कर पुष्कर नाम को जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले, पुष्कर नाम को जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले, वहां कौन सा हृदय है जिसमें आपका वास नहीं, वहां कौन सा हृदय है जिसमें आपका वास नहीं। ज्ञान प्रकाशन फैलाकर, ज्ञान प्रकाश फैलाकर दूर किया अंधकार, दूर किया अंधकार, जिन शासन को दिपा रहे आप बनके अंधकार, आप बनके अंधकार। हे पदम गुरुवर गुरनिसा, आपने किया आपका जीवन साकार, हे पदम गुरुवर गुरनिसा, आपने किया आपका जीवन साकार। और गुरनिसा आपके जन्म दिवस पर हम सबकी करो शुभकामनाएं स्वीकार, शुभकामनाएं स्वीकार। आज आपके जन्म दिवस पर नरेश दर्शन बहुमंडल की तरफ से एक छोटा सा उपहार, खुशियां आपकी दुगनी हो, ऐश्वर्य आपको मिले अपार। हैप्पी बर्थडे मानसा, आई होप हमारा यहाँ एक छोटा सा स्किट आपके लिए लाए खुशियां अपार, खुशियां अपार। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में, आज जब सी उलझन में सामने बैठे गुरुमा, हम खुश किस्मत है। आओ सुनाओ गुरुमा की ये कहानी, एक है भैया एक है बहन सुहानी, ये भी चलने लगे थे वो भी जुड़ने लगे थे, त्यागी तपस्वी बने थे ज्ञानी ज्ञानी बने हैं। आओ सुनाओ गुरुमा की ये कहानी। अरे सखी क्या बात है, क्यों बावली हो जा रही है, किसका जन्मदिन, कौन से गुरु का जन्मदिन? ठहर जा सखी, मैं सब बताती हूँ। आज मालूम है हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आज हमारे गुरुवार का 69th बर्थडे है और अब यहाँ सब मिलके गुरुमा की लाइफ स्टोरी जानना चाहेंगे। और पता है गुरुमा का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? गुरुमा का जन्म दिल्ली के चांदनी चौक में हुआ है और लोढ़ा के कुल में जन्म हुआ है। माइक पास में रखो। उनके कुल के बारे में और उनके जन्म के बारे में हम सबने तो जान ही लिया है, अब हम जानेंगे उनके फैमिली के बारे में। अब सब जानना चाहते हो? हाँ। तो उनके जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, बाल उनके बड़े हुए, जहाँ पर उनका सुसंस्कार की प्राप्ति हुई है, वहाँ पे उनका परिवार है। उस परिवार में कुल चार भाई हैं और तीन बहनें हैं। चार भाई में से एक भाई को तो हम सब जानते ही हो, जानते हो ना? हाँ। तो वो विराजमान है अपने सिंधनगर के धन्य धरा पर परम पूज्य श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब। उनका बचपन का नाम था राजू और पुनीसा के बचपन का नाम था सरोज। चलो राजू और सरोज की छोटी सी नटखट सी हम प्रसंग के माध्यम से कैसे लड़ते थे, कैसे झगड़ते थे और कैसे टाइम साथ बिताते थे इसके बारे में जानते हैं। रुको जरा सबर करो, राज की बात बताए। हाँ राज की बात बताए सरोज बहना, ये आपके है भैया, सरोज बहना ये आपके है भैया, संग मेरे लड़
चलिए अब देखते हैं राज क्या है। तुम्हारो गणी खम्मा साहब गणी खम्मा, आपने टाइम तुम्हारे बचपन में कहीं करता था जानना चाहो? हाँ। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, बचपन में शैतान कौन कौन करता था? हाथ उठाओ। अच्छा कौन भी शैतान नहीं करता था? थोड़ा माँ बाप ने पूछना है जो सत है। गुरु माँ बचपन अभी भी तक कल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं बचपन में क्या था बोलू? बहुत फैशनेबल ने नॉटी था मारे जान। ए गुरु माँ नई नई गाड़िया महंगा महंगा कपड़ा खानो पीनो घूमनो फिरनो लो खूब शौक तो अपोरी जान। नरेश मुनि मन साहब जो कि है राजू, वो क्या फरमाते हैं देखते हैं। बहना मेरी बहना रे, बचपन का साल मेरा भूल नहीं जाना रे, तब त्याग किया रे दीक्षा की आज्ञा दिया रे, बचपन का साल मेरा भूल नहीं जाना रे। क्लास की बात बताए, हाँ सरोज में पड़ेगी मौन ने सामने
मुझको बैराग्य आया तो मैं क्या करूं, मुझको बैराग्य।
कष्ट सहन कर
दीक्षा जीवन का एक अद्भुत अवसर है। अनेकों लोग दीक्षा लेते हैं, पर दीक्षा के बाद अचीवमेंट्स करना अपने आप में एक महान साधना का कार्य है। आप जानते हो हमारे गुरु मां ने दीक्षा के बाद 32 आगों की स्वाध्याय किए। कितनी आगों की? 32 स्वाध्याय। और उनका पूर्ण रूप से ज्ञान का अर्जन भी किया है। और हमारे गुरु मां ने अनेक लड़कियों लड़कियों को वैराग्य की भावना जगाई है उनके भीतर। और हमारे गुरु मां के 4 शिष्याएं भी है। और आपको पता है हमारे गुरु मां को अनेक प्रकार की पदवियां भी मिली है। उन्हें स्पष्ट वक्ता के रूप में कहा जाता है। ये तो हम रोज देखते ही है, वे कितनी स्पष्टता से अपनी वाणी को प्रस्तुत करते हैं। और उनको शमनी सूर्य के रूप में भी कहा जाता है। और उनको उपप्रवर्तनी के रूप में पद भी प्राप्त हुआ है। उनको अनेक समाज वालों ने अनेक धर्म से उनको अनेक से पदवियां मिली है। फिर भी उनको थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, थोड़ा सा भी मोह नहीं है, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है अपने पद के ऊपर। सरल है हमारे गुरु मां। हमारे गुरु मां ने हमेशा सबको प्रेरित किया है। जहां भी वे जाते हैं वहां पे महिला मंडल, युवक मंडल जैसे अनेक मंडल को स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। और हमारा भी दर्शन नरेश दर्शन बहुमंडल भी इन्हीं की कृपा से स्थापित हुआ है। आज हम यहाँ सब उन्हीं की कृपा से प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके लिए हम सब आपको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने पिछली बार भी श्री भगवान महावीर जन्म कल्याणक की प्रस्तुति इन्हीं की कृपा से दिए, उसके लिए हम अनेकों बार आपको आभार व्यक्त करते हैं। और इनकी कृपा से कहीं पे भी ये जाते हैं वहाँ पे भवन स्थान सभी निर्माणों का निर्माण करने का वह हमेशा सबको सहयोग प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। अब दीक्षा भी हो गई, यहाँ प्रसंग भी चल रहा है, आज मारासा का जन्म दिवस भी है, तो मारासा को किसकी याद आती होगी? मारासा को अपने गुणी भैया चारित्र प्रभा जी मारासा की बहुत बहुत याद आती होगी, क्योंकि उन्होंने जो हर पल हर क्षण उनके साथ रहे, आज इतना अच्छा है प्रसंग देखकर मारासा कैसे गुणी माँ को याद करते हैं, तो चलिए देखते हैं। रास की बात बताए, हाँ रास की बात बताए, शुरू करो गुरु मां ने फरियाद रावे छे, शुरू करो गुरु मां ने फरियाद रावे छे, ये बुलावे छे गुरु मां गो बुलावे छे, ये बुलावे छे गुरु मां गो बुलावे छे, शुरू करो प्रखर वक्ता वाणी की जादूगर
कुशल शिष्य संपदा को तैयार करने वाली मित्रभाषी ममत्वा की भंडारी, जिसके पास बैठे हर शावक शाविका को होता है ममत्व का एहसास। दिव्य तपस्वी रत्न छोटों से लेकर बड़ों तक तपस्या के लिए प्रेरित करने वाली मेरी गुरु मैया वैराग्य प्रतिबोधिता प्रखर व्याख्यात्री, जिनकी आवाज सुनते ही गूंज उठता है कल्याण मंटर, जिनकी आवाज सुनते ही गूंज उठता है कल्याण मंटर। यह सब गुणों की खान है मेरी गुरु मैया, यह सब गुणों की खान है मेरी गुरु मैया डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब। आपके शुभ अवतरण दिवस की आपको लाखों लाखों बधाई हो महाराज साहब, लाखों लाखों बधाई हो महाराज साहब। गुरुवर्या चैत्र मैया की चमकते को ही नूर हो आप, गुरुवर्या चैत्र मैया की चमकते को ही नूर हो आप। ओ गुरु माँ दो आशीष हमें, ओ गुरु माँ दो आशीष हमें, हम भी बन जाए आपकी तरह, हम भी बन जाए आपकी तरह। आ नमो निको